नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष। आप देख रहे हैं आज इनको। क्या आपका बिजली बिल हर महीने 700 से 800 रुपए आता है? और मान लीजिए अचानक ही आपको करोड़ों रुपए के बिजली बिल का भुगतान करने के लिए नोटिस थमा दिया जाए, तो किसी का भी होश उड़ना लाजमी बात है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिला स्थित चमरी गाँव में एक स्थानीय के पास 128 करोड़ 45 लाख 95 हजार 444 रुपए का बिजली बिल बकाया आया है। बिल देखते ही शख्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। व्यक्ति का आरोप है कि बिजली विभाग में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। खबरों के मुताबिक राजधानी दिल्ली से करीब 80 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के हापुड़ में चमरी गांव में अपनी पत्नी के साथ रहने वाले समीम ने जब बिजली विभाग से संपर्क किया तो अधिकारियों ने उससे कहा कि वह पहले बिजली बिल का भुगतान करे। समीम ने कहा कि कोई हमारी दलीलों को नहीं सुनता, हम उस राशि को कैसे जमा करेंगे। जब हम इसके बारे में शिकायत करने गए तो हमें बताया गया कि जब तक हम बिल का भुगतान नहीं करते तब तक वे हमारे बिजली कनेक्शन को फिर से शुरू नहीं करेंगे। समीम ने यह भी कहा कि घर में मैं और सिर्फ मेरी पत्नी है, हम दोनों लाइट और पंखे का इस्तेमाल करते हैं, तो इतना बिल कैसे आ सकता है? हम गरीब इंसान हैं, हम कैसे इतना बिल जमा कर पाएंगे। समीम ने आरोप लगाया है कि बिजली विभाग ने पूरे शहर का बिजली बिल हमें सौंप दिया है। समीम का कहना है कि हर महीने उनका बिजली बिल 700 से 800 रुपए आता है। वहीं इस मामले में सहायक विद्युत अभियंता राम शरण ने कहा कि यह तकनीकी खराबी के कारण हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर वह बिल की कॉपी हमें दे देंगे तो हम उन्हें सही बिल दे देंगे। उन्होंने कहा कि तकनीकी दिक्कतें आती रहती हैं, यह कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। इस बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट्स कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।